it increases the tensile strength of the knee. ठीक है, इट इज मोर टफ एंड हार्ड, एवॉइड्स कोरोजन एंड रस्ट स्टेन्स, क्योंकि ये जनरली हम लोग लो कार्बन कंटेंट का बनाते हैं या फिर स्टील का होता है, स्टेनलेस स्टील का, तो कोरोजन का चांस बहुत कम होगा. दे आर मोर इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक भी ज्यादा होगा. टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका जनरली 1.1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है. उसके बाद ये डिफरेंट शेप में भी अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल भी है स्टील हर जगह आज के दिन. ये सब प्रॉपर्टीज हो गए. एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जनरली जो फाइबर, स्टील फाइबर है, यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क में तो बहुत कम ही हम लोग देखते हैं, है ना. तो जहाँ हैवी वेट व्हीकल्स है इस रोड पर ज्यादा होगा, वहाँ हम लोग इसको पेवमेंट डिजाइन में कर सकते हैं. टनलिंग, टनल लाइनिंग में हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस रिवर्सल ज्यादा आती है हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह सेफ्टी देना बहुत जरूरी है. तो हम लोग ज्यादातर इसका यूज टनल लाइनिंग वर्क करते हैं, है ना. इंटीरियर जो पोर्शन है, जो भी उसका वाल है इंटीरियर, उसको लाइनिंग करने में यूज करते, कहीं भी क्रैकिंग नहीं आ गया, है ना. इट इज मोस्टली यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट रनवे, है ना, हाईवे पेवमेंट. ये मोस्टली यूज होता है कहाँ, एयरपोर्ट रन, एयरपोर्ट रनवे पे इसलिए यूज करते हैं कि जैसे मान लो कि जहाँ भी हमारा प्लेन है लैंड कर रहा है, अचानक स्ट्रेस वहाँ पे ज्यादा आ सकता है ना, जो कि कन्वेंशनल पेवमेंट हो सकता है कि वहाँ फ्रैक्चर कर जाए, फेल कर जाए. इसलिए वहाँ बहुत जरूरी है कि जो भी पेमेंट हम लोग डिजाइन करें वो ज्यादा स्ट्रेंथ, वो सडन लोडिंग से, इम्पैक्ट लोडिंग से वो फेल नहीं करे, फ्रैक्चर नहीं आवे, ठीक है. इसलिए हाईवे पेमेंट्स में भी करते हैं, मोस्ट कॉमनली इन प्रीकास्ट कंक्रीट, प्रीकास्ट कंक्रीट में भी हम लोग इसको यूज करते हैं स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, है ना. शॉर्टक्रीट, शॉर्टक्रीटिंग में यूज करते हैं. शॉर्टक्रीटिंग समझते हो? यस सर, मिक्स है सर, स्प्रेइंग ऑफ कंक्रीट, जो भी कंक्रीट है उसको स्प्रे फॉर्म में अप्लाई करना शॉर्टक्रीटिंग कहलाता है. तो इसको शॉर्टक्रीटिंग में भी यूज करते हैं. ये भी शॉर्टक्रीटिंग जनरली टनल लाइनिंग में यूज किया जाता है, या फिर जहाँ ट्रैक डेवलप किया हो, जो भी वाल है, चाहे वो डैम का हो, बिल्डिंग का हो, इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर का हो, जहाँ भी क्रैकिंग डेवलप किया, तो वहाँ हम लोग शॉर्टक्रीट टेक्निक यूज करते हैं. उसके बाद पार्किंग का कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं, एंटी सेस्मिक बिल्डिंग्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है.